हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मामा। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल पालक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैन में थोड़ा तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि हमें बाद में तड़के के लिए भी तेल लगेगा। और इसके लिए मैंने पालक को बारीक कट कर रख लिया है। और बारीक कटे हुए प्याज चाहिए हमें। इसके लिए एक बड़ा टमाटर चाहिए और मैं मूंग दाल में बना रही हूँ। आप चाहें तो तुअर दाल में भी बना सकते हैं इसे। और 1.5 टीस्पून मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है जो कि हमें बाद में लगेगा। अभी हमें डालना है 1 बड़ी इलायची। और अगर आप दाल ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। और 2 बे लीफ डाली है मैंने। मैं डालूंगी कटे हुए प्याज। हल्का ब्राउन होने पर फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए गाइस, ये प्याज हमारे हो गए हैं इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर के। अब इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा नमक। अभी बस इसमें इतना ही डलेगा, फिर कटे हुए टमाटर डालेंगे हम। टमाटर डाल के ये जो मूंग दाल भिंगा कर रखी, मूंग दाल तो जल्दी ही भींग जाती है 1.5 घंटे में, तो इसमें मूंग दाल डाल देंगे। और इसे पकने के लिए रख देंगे हम। 20 से 25 मिनट करीबन लगेगा। थोड़ा पानी डालें। इसे हम पकने छोड़ देते हैं। सो गाइस, ये देखिए हमारी मूंग की दाल जो हमने पकने को रखी थी वो पक गई है इस तरीके से खिले खिले। और ये पत्ते आप चाहें तो बाहर निकाल दें क्योंकि इसका फ्लेवर निकल आ चुका है इसमें, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। और जो मैंने पालक काट के रखी है, जैसे मैंने 1.5 कटोरी ली थी मूंग दाल, तो उसमें हम डालेंगे करीबन 200 करीबन पालक। 1 कटोरी का मतलब होता है 100 ग्राम, तो 1.5 कटोरी जैसे मैंने अगर लिया है तो 150 ग्राम हो गया। इसके बाद हम इसको पकने रखेंगे और हम तड़के की तैयारी करेंगे। गाइस देखिए, अभी पालक हमने इस दाल पे अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन कितना? थोड़ा सा पानी, जितना अपने को रिक्वायर्ड। हाँ, अगर थोड़ी पतली करनी है तो ज़्यादा पानी डाल देंगे। और गाढ़ी रखना। अब हम गाइस, अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। पैन में डाला है तेल मैंने। थोड़ा सा डालेंगे हींग इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा। ये हमारा हींग गरम हो चुका था। जब तक इसमें तड़का लगेगा, ये 1.5 टीस्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये गरम नहीं हुआ है अभी हमारा तड़का। गाइस हो गया है, अब हम ये डाल देंगे। तड़का हमारा ब्राउन हो गया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और गैस बंद कर देंगे हम। गैस बंद करने के बाद हम डालेंगे इसमें
मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। गैस बंद करके मिर्च डालें ताकि वो जल लेना। थोड़ा तड़का हमें बचा के रखना है गार्निश के लिए। ये देखिए, अब इसे एक उबाल देते हैं फिर प्लेटिंग करते हैं। गाइस ये हमने अब अपने बर्तन में निकाल लिया है, अपने बोल में, और तड़का डाल दिया है इसके ऊपर, जो हमारा रिमेनिंग तड़का था, बचा हुआ तड़का था। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। तड़का ऊपर से जरूर डालिए इसमें, तभी अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ी सी क्रीम हम डालेंगे इसमें। तो गाइस ये रेडी है हमारी मूंग पालक की दाल। सो प्लीज़ इसको ट्राई करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कैसी थी ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।